हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल। आज हम बात करने जा रहे हैं पायरेक्सोकाम के बारे में। पेट पायरेक्सोकाम एक 8 यूनिक हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो कि जनरल फीवर और पेन में रिकमेंडेड है। तो ये जो प्रोडक्ट है, इसमें कॉम्बिनेशन है पपीते का, गिलोय का, इसके अंदर हल्दी है, इसके अंदर अनार है, इसके अंदर तुलसी है, आंवला है, काली मिर्च है और सुदर्शन है इसके अंदर। तो ये सारी की सारी हर्ब्स जो हैं वो फीवर और पेन इन्फ्लामेशन के लिए बहुत ही अच्छा असर करती हैं। इनको जो रिकमेंड किया जाता है वो फीवर की कंडीशन में रिकमेंड किया जाता है, पेन में किया जाता है, टिक फीवर में जहाँ पे कि बुखार उतर नहीं रहा होता है काफ़ी दिन, वहाँ पे ये एज ए होम रेमेडी या फीवर के लिए यूज़ किया जा सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में इसको रिकमेंड किया जाता है क्योंकि वहाँ पे भी पेन जो होता है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए होता है और बार बार हो रहा होता है। तो इसमें और बाकी की जो मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में, उसमें क्या फ़र्क है कि जो मार्केट में ज़्यादातर फीवर के लिए मेडिसिन होती हैं जो कि ऑर्गेनिक या हर्ब्स बेस्ड नहीं होती हैं, वो चाहे वो पैरासीटामोल है, चाहे वो अदर मेडिसिन हैं या मेलोक्सिकैम इवन है, तो उनका कहीं ना कहीं चाहे थोड़ा होता है या ज़्यादा होता है कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। कई बार वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज कर देते हैं, गैस बनने लगती है, पेन होने लगता है, स्टमक में पेन होने लगता है, पेट फुला फुला रहने लगता है, डाइजेशन ख़राब हो जाता है और लॉन्ग टर्म यूज़ में कई बार लिवर और किडनी पे भी असर आता है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे कि हमें लगता है कि साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं या डॉग की एज ज़्यादा है, तो वहाँ पे पेट पायरेक्सोकाम बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इसका कोई किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये इन्फेक्शियस रीजंस में भी दिया जा सकता है और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज में भी दिया जा सकता है और बहुत ही कम्फर्टेबल इसका डोज रेट है। अगर छोटी ब्रीड है तो उसमें 5 ml थ्राइस अ डे दे सकते हैं और लार्ज ब्रीड है तो उसमें 10 ml थ्राइस अ डे दिया जा सकता है। डॉक्टर्स ज़्यादातर इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं एज ए होम रेमेडी कि अगर घर पे कई बार ऐसा होता है कि मौसम चेंज हो गया और हमें लगता है कि फ़ीवर हो रहा है या वैक्सीनेशन हुआ है तो उसके बाद महसूस होता है कि फ़ीवर हो रहा है, तो वहाँ पे एज ए होम रेमेडी इसको पहले दिया जा सकता है। अगर इसको देने से काम नहीं बनता है तो फिर डॉक्टर्स जो हैं वो फर्दर हाई लेवल ऑफ ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं, इंजेक्टेबल्स यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही काम का प्रोडक्ट है, ड्रॉप्स में भी अवेलेबल है और सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है। ड्रॉप्स में ये थोड़ा माइल्ड होता है और पपीज़ एंड किटन के लिए रिकमेंडेड है। आप इसको किसी भी एज के पपी और किटन में दे सकते हैं। डोज रेट जो है दोनों में ही इसका 0.5 ml पर kg बॉडी वेट जो है थ्राइस अ डे रिकमेंडेड है और इसका क्योंकि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो बहुत बार जैसे हमारे साथ होता है कि वैक्सीनेशन हुआ पपी का और घर जाके कंप्लेंट आती है कि उसके पेन हो रहा है, जिस साइड पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे पेन हो रहा है, या नेक्स्ट डे कई बार बच्चा हल्का सा ढीला महसूस करने लगता है, फीवर हो रहा होता है, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करता है और बहुत ही साइड इफ़ेक्ट फ्री तरीके से ये पेशेंट को ठीक करने का काम करता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा इस प्रोडक्ट को फॉर फीवर, पेन और किसी भी तरीके के इन्फ्लेमेशन में। थैंक यू वेरी मच।